अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के नाश्ते में आज हम बनाएंगे उपमा और चटनी। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह और 2 से 3 मिनट में हम आज का नाश्ता तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख लिया है, उसमें मैंने थोड़ा तेल और राई 1 स्पून तक का चने की दाल डाला है। और यहाँ पर मैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया और करी पत्ता रख ली हूँ। करी पत्ते को डाल देंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पर प्याज, जो मीडियम साइज़ की 2 छोटी प्याज को मैंने इस तरह कट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, लाल वाली भी है थोड़ी। डालने के बाद यहाँ पर मैं इसे थोड़ा अच्छे से भून लूँगी प्याज को। अब मैं यहाँ पर टमाटर और हरा धनिया डाल दूँगी, डालकर इसे भी थोड़ा पका लेंगे हम, ताकि टमाटर थोड़ी नरम हो जाए। इस तरह हमें इसे पका लेना है। पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 लीटर पानी और 1 कटोरी भर के यहाँ पर मैंने सूजी लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। डाल के मैं सूजी को, अब पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, इस समय पर मैं यहाँ पर सूजी डाल रही हूँ, रवा। डालने के बाद मैं यहाँ पर इसे 1 मिनट तक का ऐसे ही मिलाकर दम होने के लिए रख देंगे। बन जाएगी हमारी उपमा 2 से 3 मिनट में। देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ी हो चुकी है। इस समय पर हम इसे दम पे रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी मज़ेदार उपमा तैयार है। हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और इसके साथ चटनी तो बहुत अच्छी रहेगी, और मैंने थोड़ा अचार भी रखा है। आप चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल में पहले से ही मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं अब यहाँ पर चटनी भी डाल रही हूँ। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।